कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 12 मई से राजधानी दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए सोमवार से IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हुई, लेकिन भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट क्रैश हो गई। इसके बाद IRCTC ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक संदेश में कहा कि हैवी ट्रैफिक के कारण अगले आदेश तक बुकिंग रद्द की जा रही है। इसके कुछ मिनटों बाद रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि डेटा को वेबसाइट में फीड किया जा रहा है, जैसे ही काम पूरा होता है बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रेन से कहीं जाना चाहते हैं और आपको बुकिंग करनी है तो ज़रूरी है कि आप ट्रेनों के रूट और टाइम टेबल से परिचित हों, ताकि लॉकडाउन में आपको और आपके किसी अपने के लिए सफ़र ज़रूरी हो तो कर सकें। तो आपको बता दें कि पहले दिन यानी 12 मई को राजधानी से कुल 15 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों का कोई नंबर नहीं होगा और ये स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेंगी। ये ट्रेनें हर स्टॉपेज पर नहीं, कुछ ही जगह रुकेंगी। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों के सीमित स्टॉपेज हैं, लेकिन यात्री इन स्टेशनों से चढ़ और उतर सकेंगे। उदाहरण के लिए नई दिल्ली से पटना जाने वाली एसी स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। इन स्टेशनों पर यात्री उतर और चढ़ सकेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए तो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, उन्हें बीच में चढ़ने और उतरने की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह हावड़ा जाने वाली ट्रेन आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगलसराय, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। इन स्टेशनों पर यात्री चढ़ और उतर सकेंगे। इन 15 ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें रोज चलेंगी, जबकि कुछ सप्ताह में 3 दिन, कुछ 2 दिन और कुछ केवल 1 दिन चलेंगी। हावड़ा, पटना, डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और बेंगलुरु के लिए जाने वाली रोज स्पेशल एसी ट्रेन चलेगी। अगरतला के लिए 1 हफ्ते में 1 दिन यह ट्रेन चलेगी। आइए बताते हैं कि पूरी रेलवे की समय सारणी क्या है, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, जिससे आपको पूरे टाइम टेबल को समझने में आसानी हो।